मैं हूं आयुष्मा और आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। स्प्लिट्स विला के बाद से दिव्या अग्रवाल की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ महीने पहले ही खबर आई थी कि दिव्या सलमान के शो बिग बॉस में नजर आएंगी। खैर किसी कारणवश दिव्या इस शो का हिस्सा नहीं बनी और इन दिनों वो विकास गुप्ता के नए शो MTV एस ऑफ स्पेस में नजर आती है। दिव्या इस शो में आए दिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्रियांक शर्मा को निशाना बनाती रहती है। हाल ही में दिव्या ने प्रियांक को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसकी वजह से दिव्या ने खूब चर्चा बटोरी। लेकिन अब इस मामले में प्रियांक शर्मा ने दिव्या अग्रवाल पर अपनी भड़ास निकाली है। जी हां, प्रियांक ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए दिव्या से कहा है कि उन्हें उनका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही दिव्या का करियर बना है। आपको बता दें कि प्रियांक ने सोशल मीडिया पर किए इस पोस्ट में कहीं भी दिव्या का नाम मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने ये पोस्ट दिव्या के लिए ही किया है। इसी के साथ प्रियांक ने इस पोस्ट के जरिए ये बात भी साफ कर दी है कि उनके दिल में दिव्या के लिए कोई भी जगह नहीं है। साथ ही प्रियांक ने इस पोस्ट में लिखा है कि वो चाहते हैं कि दिव्या इस शो को जीत जाए, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। प्रियांक लिखते हैं कि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, और मुझे ये भी पता है कि तुझे भी नहीं पता। बोलने को मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ और ये तुम भी जानती हो, लेकिन मैं पीछे से वार नहीं करूँगा। तू एक लड़की है और भगवान ने मुझे एक प्यारी सी छोटी सी बहन भी दी है। प्रियांक आगे लिखते हैं कि बस कभी शुक्रिया भी बोल देना जैसे पहले बोला था, जब 7 सालों से तेरा इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो रहा था। मैं अभी भी आशा करता हूँ कि तुम ये शो जीत जाओ और मुझसे आगे बढ़ो। प्रियांक आगे लिखते हैं कि तेरी माँ के पैर छुए थे प्रिंस भाई की शादी में, उस प्यारी माँ के आशीर्वाद को सराहने रख और दूसरों की माँ के बारे में भी सोच लो, जिसको नेशनल टेलीविजन पे मजाक बोला तूने, कब तक शो में रोएगी। वहीं प्रियांक ने अपना पोस्ट खत्म करते हुए बिनाफ्शा सुनावाला का धन्यवाद भी किया है। इसी के साथ ही प्रियांक ने ये भी साफ कर दिया है कि ये इस मामले पर उनका पहला और आखिरी ट्वीट होगा। आपको बता दें कि दिव्या एस ऑफ स्पेस में प्रियांक को लेकर कई तरह के विवादित बयान दे चुकी हैं। जब से दिव्या ने इस शो में एंट्री ली है, तब से वो प्रियांक पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा रही हैं। प्रियांक और दिव्या की पहली मुलाकात MTV के डेटिंग शो स्प्लिट्स विला के दौरान हुई थी। इस शो से ही प्रियांक और दिव्या की जोड़ी मशहूर हो गई, लेकिन जैसे ही प्रियांक बिग बॉस का हिस्सा बने, उन्होंने दिव्या से किनारा कर लिया। इसी शो में आकर दिव्या ने अपने ब्रेकअप की घोषणा नेशनल टेलीविजन पर कर दी थी। फिलहाल तो देखना होगा कि प्रियांक के इस पोस्ट का दिव्या किस तरह से जवाब देती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।